विप्र फाउंडेशन द्वारा रेवतड़ा में 100 गोवंश के लिए निःशुल्क दवाई का किया वितरण। साइला निकटवर्ती रेवतड़ा में विप्र फाउंडेशन द्वारा गायों में फैली लंपी नामक वायरस से पीड़ित गोवंश के लिए क्वारंटाइन सेंटर पर 100 गोवंश के लिए दवाई वितरण की गई। विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री दिनेश दवे ने बताया कि विप्र फाउंडेशन द्वारा लंपी स्किन नामक वायरस से पीड़ित गोवंश के लिए गुजरात के सूरत में दिन रात कार्यकर्ताओं की टीम होम्योपैथिक की दवाई बनाने में डॉक्टरों के साथ जुड़ी हुई है। नियमित 20,000 दवाई की बोतल तैयार की जा रही है, जिसको लेकर नियमित राजस्थान गुजरात के साथ मध्य प्रदेश में भी ट्रैवल्स व ट्रांसपोर्ट के माध्यम से निःशुल्क दवाइयां भेजी जा रही हैं। जालौर जिले में भी भिन्नमाल छांसौर रानीवाड़ा व जालौर में दवाई वितरण के पश्चात आज सायला ब्लॉक के रेवतड़ा गांव में विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार दवे एवं जिला कार्यकारिणी सदस्य भंवरलाल शाश्वत के नेतृत्व में 100 गोवंश के लिए निःशुल्क दवाई वितरण की गई। साथ ही रेवतड़ा गोभक्त टीम की गो सेवा के लिए विप्र फाउंडेशन ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान नाथूलाल दवे, नरहरि प्रसाद दवे, मनोहर लाल दवे, पुष्पदत्त दवे, ललित विक्रम, पर्वत सिंह राजपुरोहित, संपालाल प्रजापत, जयंतीलाल डोणी, नरपत लाल मनोणी, शैलेश हिरोणी सहित काफी संख्या में गो भक्त मौजूद थे। प्रदर्शन में ये काम शुरू किया है, जहाँ जहाँ जितने जितनी आवश्यकता है विप्र फाउंडेशन उस पूर्ति को पूरी करने का पूरा प्रयास कर रहा है। रेवतड़ा से हमारे को परसों शेखर जी भाई साहब ने फोन पे बताया था, कल हमने कहा था आने का, लेकिन कल मानव जीवन है, आना संभव नहीं हो पाया, क्षमा प्रार्थी है। लेकिन आज हमारा लक्ष्य था कि 1-2 बजे तक हम रेवतड़ा पहुंचेंगे, और आज पहुंचे हैं, और आज रेवतड़ा की गौ माताओं के लिए ये दवाई समर्पित है। और भी आवश्यकता होगी तो जितनी आवश्यकता, और एकदम सफलतम दवाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और जिनको ये लंपी हो चुका है तो खाने के लिए मुंह बंद हो गया गौ माताओं के लिए, तो उस मुंह को भी तुरंत ये खोलने का काम ये मेडिसिन करती है। इसलिए बेहिचक इसका आज से प्रयोग शुरू करें, जहाँ जहाँ जितनी आवश्यकता है विप्र फाउंडेशन पूर्ति करेगा। आप सभी का बहुत बहुत गौ भक्तों का धन्यवाद, ग्रामवासियों का आभार।